बात अब उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के बीजेपी के बहुत बड़े नेता की, जिनके पास चरण छूने के लिए लाइन लगती है, करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, लेकिन अचानक से बीजेपी हाईकमान की नज़र में वो खटकने लगे और उनके ऊपर बुलडोजर चल गया। बात प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़ी हुई है। बीजेपी के नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो इन दिनों सुर्खियों में हैं। वो बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा है, गुजरात से आते हैं, बनारस में उनकी इच्छा के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। पूरा सरकारी अमला, DM, SP, DIG, कमिश्नर उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनके इशारे को लोग समझने की कोशिश करते हैं। बात उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सह प्रभारी सुनील ओझा की हो रही है। वो ओझा लिखते हैं, लेकिन यहाँ के लोग उन्हें ओझा समझते हैं। सुनील ओझा एक ऐसा ताकतवर नाम है बनारस में और पूर्वांचल में, जिसके सामने पार्टी के बड़े बड़े मिनिस्टर, विधायक, टिकटार्थी शीश झुकाते हैं। लेकिन सुनील ओझा इस कार्यक्रम के बदले एक और कार्यक्रम में लगे हुए थे। बीजेपी में उच्च पद के साथ साथ उन्होंने मिर्जापुर में गंडौली आश्रम स्थापित किया, जिसमें करोड़ों की भूमि उन्होंने एक्वायर की है। ओझा की ताकत इतनी है कि डिप्टी CM से लेके मिनिस्टर, विधायक उनके यहाँ लाइन लगाते हैं मिलने के लिए, और जब उनकी इच्छा होती है तब वो मिलते हैं। ओझा ने अकूत संपत्ति भी बनारस में रहकर बनाई है, जैसा कि उन पर आरोप लगा है। जब ये सब चीज़ें बहुत बढ़ने लगी तो बताया जाता है कि दिल्ली में बीजेपी हाईकमान को इसकी खबर दी गई, और तभी से वो बीजेपी हाईकमान के रडार पर आ गए। फिर दिल्ली से लखनऊ पार्टी मुख्यालय संदेश भिजवाया गया कि ओझा पर लगाम लगाओ, लोगों को वहाँ जाने से रोको। उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बनारस और काशी क्षेत्र की यूनिट को अलर्ट किया कि कोई भी अब सुनील ओझा के किसी आश्रम पर किसी कार्यक्रम में नहीं जाएगा। भूपेंद्र चौधरी के फरमान के बाद ये खुलासा हुआ कि सुनील ओझा क्या चीज़ हैं और क्या करते हैं। सारे अफसरों, नेताओं ने अचानक से सुनील ओझा से अब किनारा कर लिया। ये चर्चा क्यों आई? बताया जाता है कि गंडौली आश्रम में सुनील ओझा ने पिछले दिनों 1000 कन्याओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं पर रुद्राभिषेक कार्यक्रम भी हुए और खेल महोत्सव का भी आयोजन हुआ। इसमें सरकारी पैसे से ये खर्च किया गया और श्रम सेवा योजन विभाग और कई सारे मंत्री वहाँ पर मौजूद रहे। लाखों करोड़ों रुपया जो खर्च आया, उसमें बीजेपी के नेताओं ने, टिकटार्थियों ने भी काफ़ी वहाँ सहयोग किया। ये सब बातें जब आईं तो ये बताया जाता है कि इसकी शिकायत हुई। शिकायत यह भी हुई कि पूर्वांचल के एक बाहुबली MLC हैं, जो ओझा जी के सारे कार्यक्रम को काफ़ी संचालित करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, वही देखभाल करते हैं। उनकी फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई। अब ओझा का कद इतना बड़ा था कि लोकसभा चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, मेयर हो, अध्यक्ष पद, काशी के विभिन्न क्षेत्रों के लोग उनके यहाँ टिकट के लिए लाइन लगाए रहते थे कि ओझा जी की कृपा हो जाए तो शायद हम भी कोई पद पा जाएं। और इसी के नाते वो इनके कार्यक्रमों में भारी मदद भी करते थे। लेकिन बीजेपी हाईकमान के निर्देश के बाद ओझा के इस गंडौली आश्रम पर अब बुलडोजर चल गया है। बीजेपी में सिर्फ फुटव्वल की नौबत आ गई है। ओझा की बढ़ती ताकत, जमीन का लालच, धन का संचय, बीजेपी का बड़ा फजीहत कराया उसने। बीजेपी में ओझा का जो सिक्का था वो अचानक से डाउन हो गया। पता ये भी जाता है कि किसी अफसर ने ओझा की ये शिकायत की, लेकिन आज गंडौली आश्रम की सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। इस आश्रम को बाल मुकुंदन ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो मंदिर और गौशाला के निर्माण पर काम कर रहा था। इस निर्माण कार्य को सरकार ने बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया है, यानी कि एक तरह से ओझा का मुखौटा उतर चुका है। बीजेपी ने ही अपने नेता को अब कहा जाए बुलडोजर चलाकर नंगा कर दिया है, उसके भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। कोई भी नेता अब ओझा की ओर देखने में डरता है, गंडौली आश्रम जाना तो दूर। तो पार्टी विद डिफरेंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समय समय पर बताते हैं
कि वो इस डिफरेंस को स्वीकार नहीं करते, वो और सब की तरह हैं, उन्हें भी माल मत्ता चाहिए, उन्हें भी प्रभाव चाहिए, भले यूपी में मिले या गुजरात में मिले, मिले कहीं जहां रहें वहां सुख से रहें, आनंद से रहें।